Now, uh, talking about the second stage of development education, uh, Rousseau states that uh, the existing teaching methods or the training methods were not good enough. He criticized the training methods and uh, teaching methods that were in practice at that time. And also believed that children had a sad, pathetic life as schoolgoers. Now, uh, Rousseau वो अब इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल लाइफ की तरफ आते हैं और ये बताते हैं कि जो बच्चों की स्कूल जाने की ज़िंदगी है वो बड़ी ही गमज़दा है गमगीन है और बहुत ही ज़्यादा काबिल तर्स है जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो बड़ी तकलीफ़ का शिकार हैं बड़े दुख का शिकार हैं और उनका जो एक नेचुरल इन्वामेंट का स्लोगन है उसके ऊपर बात करते नज़र आते हैं ज दैट इंस्ट्रक्शन वॉज हार्टलेस एंड सवियर जो इंस्ट्रक्शन है यानी पढ़ाने का तरीका है वो हार्ट लेस है उसमें एहसास और दिल की फीलिंग्स इन्वाल्व नहीं है और सवियर है और बड़ा शदीद है और फिर टीचर्स डि नॉट बिलीव दैट लर्निंग कुड बी प्लेजरेबल फॉर चिल्ड्रेन और टीचर्स इस बात पर यकीन नहीं रखते कि जो लर्निंग है वो बच्चों के लिए खुशी का बायस यानी इंजॉयमेंट का बायस या प्लेजर का बायस हो सकती अब यहाँ देखिए कि ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है बड़े आ, जो है काबिल फ़िक्र बात है कि उस जो हैं वो खुद ये समझ रहे हैं और ख़ुद ये बताते हैं कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये बच्चों के लिए प्लेजुलेबल नहीं है बल्कि इंटिमिडेटिंग है बल्कि उनको खौफजदा करता है बल्कि उनको हरासा कर देता है उसके बाद वो रोट लर्निंग पे बात करते हैं जिसे हम रट्टा कहते हैं या किसी चीज़ को मेमोराइज़ करके बगैर सोचे हुए लिख डालना या बयान कर डालना जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग द एग्जाम हम उसे हमें रोड लर्निंग का नाम देते हैं या रट्टा का नाम देते हैं वो रोड लर्निंग के बारे में ही कहते हैं कि रोड लर्निंग वॉज दी ओनली फॉर्म ऑफ लर्निंग एक ही तरह की लर्निंग मौजूद थी उस वक्त और वो थी रोड लर्निंग एंड रूसो बिलीव a अ चाइल्ड no real memory, और रूसो का यह भी कहना था कि एक बच्चे की कोई सही या असल यादाश्त नहीं होती प्योरली वर्बल lessons वर meaningless. और फिर ज़बान बयान से जो सिर्फ ज़बान से बयान किया जाए जो सिर्फ वर्बल लेसनस हों जिनके अंदर प्रैक्टिकल कुछ इन्वॉल्व ना हो कोई नेचुरल इन्वामेंट इन्वॉल्व ना हो वो बिल्कुल मीनंगेस हैं उनका कोई मतलब नहीं है आप उनसे कुछ भी अखज़ नहीं कर सकते रूसों की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि मंसरियाम पर आई वो ये थी कि ही वॉज़ अगेंस्ट बुक्स किताबों के बिल्कुल अगेंस्ट थे और उनका ये कहना था कि बुक्स वर अ वे ऑफ इंसलेविंग माइंड काइंड इंसानियत को ग़ुलाम बना लेती हैं किताबें किस तरह बना लेती हैं क्योंकि बुक्स मेंट एन एजुकेशन डिपेंडेंट ऑन अथॉरिटी ऑफ अदर्स और किताबें एक ऐसी एजुकेशन इंपार्ट करती हैं जो कि किसी दूसरे शख्स की अथॉरिटी पे बेस्ड होती हैं उसके कंट्रोल पे बेस्ड होती हैं यानी एक शख्स जिसने किताब लिखी He or she would be controlling the education of those people uh, instead of their own natural experience. So they are getting this education from somewhere, but not from their own natural experience. This way, it is controlling the education of others, just one person trying to control so many people, and they leave their own natural way of getting educated. Rousseau's famous quote is I hate books. दे मीयरली टीच अस टू टॉक ऑफ वट वी डू नाट नो और उनका ये कहना है कि मुझे किताबों से नफरत है इसलिए क्योंकि सिर्फ़ वो हमें ये सिखाती हैं कि हम उस चीज़ के बारे में सिर्फ बात करें जिसका हमें नहीं पता यानी सिर्फ बात करें रिसर्च की बात नहीं है प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं है और नेचुरल लर्निंग की बात इसमें मौजूद नहीं है ये रूसों का ख्याल था और फिर वो अपोजिशन किताबों की मैं ये भी कहते हैं कि दी नॉलेज दैट चाइल्ड लर्न फ्राम बुक्स टेक्स द प्लेस ऑफ द एक्सरसाइज एंड फॉर्मेशन ऑफ़ हिज ओन जजमेंट और किताबों से पढ़ा हुआ जो इल्म एक बच्चा हासिल कर रहा है वो उसकी जो एक्सरसाइज uh, है जो उसका और फॉर्मेशन है उसकी अपनी जजमेंट की दुनिया के बारे में जो कि उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आ रही है उसकी जगह ले लेती है और वो जो नॉलेज है वो बहुत थ्योरेटिकल है और बेस्ड ऑन एन अथॉरिटी ऑफ अदर पर्सन है